ओके जी, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अभी इससे पहले जो हम चीज़ स्टडी करके आए हैं वो ये थी कि वेपर क्या होते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है और वेपर प्रेशर को हम किस तरीके से जो है वो मेजर करते हैं, उसमें हमने मैनोमेट्रिक मेथड जो है वो स्टडी किया था। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है एट विच इस पे क्या होता है एनी लिक्विड बॉयल्स, जिस पे वो लिक्विड जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बॉइलिंग क्या होती है। बॉइलिंग की सिंपल डेफिनेशन है, हम सब लोगों को पता है ऑलरेडी कि जब भी लिक्विड को हम हीट करते हैं और वो गैस की शक्ल में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है? बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होगी जबकि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, एवेपोरेशन जो है वो एनी टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू रहती है एट एनी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर की बात करते हैं, मेरे पास अगर एक कंटेनर के अंदर लिक्विड वाटर मौजूद है और मैं इसको हीट करता हूँ तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी के ऊपर चला जाएगा तो मैं कहूँगा कि क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है। मैं कहूँगा जी वाटर इज़ नाउ बॉइलिंग। लेकिन अगर यही पानी मैं फ़र्श के ऊपर गिरा दूँ इसको और कुछ देर के बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा, ये जो वाटर सरफेस के ऊपर गिरा था ये साफ़ हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या होगा? ये होगा एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूस होती है हर टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन यही वेपोरेशन अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होना शुरू हो जाए तो प्रोसेस वुड बी बॉइलिंग। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं क्योंकि अब हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड्स में क्लियर है, तो फिर अब हम ये छोटी क्लासेस वाली बात पे तक महदूद नहीं रहेंगे कि लिक्विड जब गैस में जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा या वो बॉइलिंग कराएगा। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो कि आपके लिक्विड का है बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है अगर आपके वेपर का प्रेशर उसके बराबर हो जाए तो वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर है, वो है जी आपके लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब अगर कभी आपने स्टडी किया हो बॉइलिंग लिक्विड को तो आप देखते हैं उसके अंदर कि क्या होता है कि उसके अंदर बबल्स बन रहे होते हैं। जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंटेनर में वाटर है तो वाटर कभी भी स्टिल नहीं होगा, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो उनकी है ना वो टर्बुलेंस होगी, नीचे से बबल्स उठेंगे जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर आएंगे उस वक्त जब ये बॉयल हो रहा होगा। बॉयलिंग के अंदर बहुत सारी बबलिंग होती है, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। उसकी वजह क्या है कि जो वेपर्स बनते हैं लिक्विड के नीचे सरफेस के अंदर, क्योंकि नीचे ज़्यादा हीट है बॉटम के ऊपर, इस बॉटम के ऊपर हीट डायरेक्ट ज़्यादा मिल रही है जिसकी वजह से नीचे वाला जो लिक्विड है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। अब वो वेपर चूँकि लाइट वेट होगा वो बबल की शक्ल में जो है वो ऊपर आएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है उसके ऊपर। अब यहाँ पे ये बात होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड है, अब इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर तो ये लिड मैंने खोली हुई है तो इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर वही प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर अगर तो ये लिड खुली हुई है। हाँ अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर प्रेशर चेंज कर सकता हूँ इसको बंद करके, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, और जब आपका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो आपका जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो सी है ना, हमें इसकी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिटेल को हमें समझना है। अब होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड था टेम्परेचर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी रूम टेम्परेचर था 25°C, इसके ऊपर ये आपके पास एक लिक्विड मौजूद है, एनी लिक्विड। आपने अब इसको क्या किया, आपने अब इसके नीचे आग लगा दी, इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, इस लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो इसके जोन से मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर बेशुमार मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जोन सी है, हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं कि मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ये हमने थर्ड चैप्टर में बात पढ़ी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि इनका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब एक वक्त आता है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मज़ीद हीट करने से वो टेम्परेचर ऊपर, फर्दर ऊपर नहीं जाता। एक टेम्परेचर आता है जिसके बाद जाके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, और वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो टेम्परेचर होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेम्परेचर को हीट किया ये 25°C से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाटर था, इसको मैं हीट करता रहा और ये जो है 25° से आ गया 100°C के ऊपर। 100°C का मतलब क्या है कि वाटर अब वाटर है लेकिन बॉइलिंग वाटर है, ये क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। अब 100°C के ऊपर जब इस टेम्परेचर पहुंच गया ये बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन नीचे आग मुसलसल जल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये टेम्परेचर 100 से 110 और 120 की तरफ क्यों नहीं जाता। एनर्जी तो हम कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, जब तक लिक्विड बॉयल होता रहेगा उसका टेम्परेचर 100°C के ऊपर खड़ा रहेगा, लेकिन होना तो ये चाहिए कि नीचे से चूंकि आग जल रही है तो ये 100 से बढ़ के 110, 120 और मज़ीद आगे जाना चाहिए, जैसे वो 25 से 100 तक आया है, 100 से आगे क्यों नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है जो यहाँ पे हमने भी ये बात की है टेम्परेचर की, उसकी वजह ये है कि शुरू में क्या था, आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ये आपके मॉलिक्यूल्स थे, उनकी एनर्जी थी 25°C के ऊपर, आपने गर्म करना शुरू किया वो आ गए 100° के ऊपर। अब 100° क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये 100° से 110 और 120 के ऊपर नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फेज चेंज। बॉइलिंग के अंदर क्या हो रहा है कि लिक्विड अब लिक्विड नहीं रह रहा, वो लिक्विड से वेपर फेज के अंदर जा रहा है। तो 100° के ऊपर ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और बाकी जो हम फर्दर एनर्जी दे रहे हैं वो किधर जा रही है, वो एनर्जी इस लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रही है। तो वो एनर्जी जो है इस तरीके से यूटिलाइज होगी। इस वजह से जब भी फेज़ चेंज हो रहा हो या जब भी कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मौजूद हो तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता, वो उसका टेम्परेचर वहीं तक रहेगा। अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक नई टर्म वो आपके पास इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन नाम से पता चल रहा है कि वेपराइज करने के लिए किसी चीज़ को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वही सवाल पैदा हो रहा है, ये जो 100°C के बाद वाली एनर्जी जो कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही थी, वो बेसिकली क्या है, वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट ले रहा है, कितनी एनर्जी ले रहा है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन वो ये कह रहा है जी कि अगर मेरे पास 1 मोल हो ऑफ एनी लिक्विड, तो उसको 1 मोल ऑफ लिक्विड को मुझे कितनी हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज।
और किसको वेपराइज करने के लिए, एक मोल ऑफ लिक्विड को। अगर मेरे पास किसी भी लिक्विड का एक मोल हो और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको वेपराइज करूँ, तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, वो हीट मुझे कहाँ से मिलेगी, वो पता चलेगी हीट ऑफ वेपराइजेशन से, कि किसी भी लिक्विड को वेपर करने के लिए उसके एक मोल को कितनी हीट चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपकी बुक में वाटर की जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन शो कर रहा है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है एक मोल, वो कहता है जी 40.6 किलो जाउल पर मोल, कि अगर एक मोल मेरे पास वाटर का हो H2O तो मुझे 40.6 किलो जाउल एनर्जी चाहिए होगी उस लिक्विड वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास जो है किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एनर्जी का चेंज जो है वो किस तरीके से आता है। अब अगर आप अपनी बुक में आगे देखें तो वो तीन चार डिफरेंट लिक्विड्स को क्या एक ग्राफ प्लॉट कर रहा है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के अक्रॉस। उसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसको मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। उसमें उसने तीन चार लिए हुए हैं आपके पास जिनसे हैं लिक्विड्स। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है हमारा वाटर, और ये हमारे पास है जी डाई इथाइल ईथर, ये हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये सारे लिक्विड्स हैं। और ये वाली जो सी लाइन है वो हमारे पास एथानॉल की है। यहाँ पे इस एक्सिस पे उसने टेम्परेचर लिया हुआ है और इस एक्सिस पे उसने प्रेशर लिया हुआ है। अब हमें पता है कि किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो उसके अंदर वेपर बनने की जो एबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है। मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर जो है वो नॉर्मली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये अगर लाइन आप देखें, इस लाइन को देखें अगर आप, तो ये वाली जो सी लाइन है ये लाइन बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स की लाइन है। इस लाइन के ऊपर जाके जो टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, इसका ये वाला टेम्परेचर, ये डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये एथानॉल का, ये वाटर का, और ये लाइन जिधर जाकर ऊपर उससे मिलेगी उसका टेम्परेचर होगा। तो वाटर का यहाँ पर जो है आपको 100 में नज़र आएगा, ये 78.3 होता है एथानॉल का, और इसका है 34.6 यहाँ पे। तो अब ये डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट जोन से हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उसकी वजह यहाँ पे ग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा है। उसकी वजह ये होती है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लिक्विड है ए टाइप का जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स ए हैं। अब इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी जो एक दूसरे को खींच रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज की स्ट्रेंथ है 10 जाउल, जस्ट इमेजिन हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। एक और मेरे पास बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान में भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज मौजूद हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है मैं कहता हूँ 5 जाउल है। अब वेपराइजेशन या बॉइलिंग में होता क्या है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं तोड़ता हूँ और इसको मैं लिक्विड से बाहर निकाल देता हूँ, मॉलिक्यूल को वेपर बन जाता है। तो मैंने बेसिकली करना क्या है कि मैंने इतनी हीट देनी है कि इसके दरमियान वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो टूट जाएं और ये लिक्विड को छोड़ के वेपर की शक्ल में आ जाए। अब जो 5 जाउल से एक दूसरे को खींच रहे हैं उसको तोड़ने के लिए मुझे लेस एनर्जी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, उसकी निस्बत जो कि एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से खींच रहे हैं। तो इसको मैं कम हीट दे रहा हूँ तो हो सकता है कि ये जो है 50 डिग्री सी के ऊपर ही ये छोड़ के लिक्विड को वेपर में आना शुरू कर जाए, लेकिन हो सकता है कि ये 75 डिग्री सी पे जाके लिक्विड के पूल को छोड़े और वेपर की फेज़ में आना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो सकती हैं और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, इसीलिए हर लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं और उनके डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। किसी का 100 है, किसी का 78 है और किसी का 34.6 है। तो ये हो गया हमारे पास जनरल ट्रेंड। अब अगर आप इसको इस तरीके से जाके देखें, इस एरिया में अगर हम ग्राफ को स्टडी करें तो जिस रेट से देखें, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर
प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेट से टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाते जाते हैं, आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाता जाता है, वेपर प्रेशर बनने उतने ही ज़्यादा होते जाते हैं, आपका वेपर प्रेशर उतनी ही स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हमें इस ग्राफ से हमारे सामने आता है। अब हम अगली बात करते हैं जो कि बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ से हमें पता ये बात चली कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करूं, चेंज ऊपर या नीचे, इसको मैं अगर कम या ज़्यादा करूं तो मेरे पास वेपर प्रेशर भी कम या ज़्यादा होगा, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल होंगे वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट पे भी जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास वाटर है, ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 180 एम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बाहर एटमॉस्फेयर का हमारे ऊपर है, तो ये 100 डिग्री सी के ऊपर बॉयल कर रहा था। अब अगर मैं बाहर का टेम्परेचर चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको एक ATM की बजाय हाफ ATM कर दूँ, तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर जो है जो कि 0.5 आधे ATM के बराबर होना है वो जल्दी हो जाएगा, तो हो सकता है कि वाटर जो है वो 75 डिग्री सी के ऊपर बॉयल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड को, लिक्विड कैन बी बॉइल्ड एट एनी टेम्परेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी लिक्विड जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल किया जा सकता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे हम चाहते हैं कि हमारा लिक्विड बॉयल करे हम उस टेम्परेचर पे अपने लिक्विड को बॉयल करवा सकते हैं। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्सटर्नल प्रेशर थिंग। और ये ऐसा पॉसिबल भी है, उसकी एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। उसकी साइंस सिर्फ ये है कि जाहिर सी बात है जब कम प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए कम हीट चाहिए होगी, और जब कम हीट चाहिए होगी तो कम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। इसी को अगर मैं एक ATM की बजाय दो ATM कर दूँ तो वेपर को दो ATM के बराबर होने के लिए, वेपर प्रेशर जब भी बराबर होगा वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब बाहर के प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो वेपर को प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज़्यादा वेपर चाहिए होंगे, और ज़्यादा वेपर कब बनेंगे? जब मैं ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा। तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, मतलब इससे नतीजा क्या निकला कि एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास जो सा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अगर मैं बात कर लूँ वाटर की, तो 180 इज इक्वल टू 760 टॉर। ये चीज़ हम ये प्रेशर के यूनिट्स हैं, ये हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करके आए हैं। अब वो कहता है जी कि जब एक ATM प्रेशर हो, मतलब 760 टॉर हो, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सी। लेकिन अगर इस टॉर को उठा के मैं 1489 टॉर कर दूं, ऑलमोस्ट डबल कर दूं, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ के हो जाएगा 120। अब वाटर 100 पे बॉयल नहीं करेगा, वाटर 120 डिग्री पे बॉयल करेगा। और कहता है अगर इस टेम्परेचर को मैं 23.7 टॉर के ऊपर ले आऊँ, ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, 23.7 टॉर पे ले आऊँ, टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम कर दूँ, ये प्रेशर है, तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? पानी सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सी के ऊपर, मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे पास नॉर्मली 25 डिग्री सी। अगर इतना कम प्रेशर हो तो 25 डिग्री सी पे वाटर आपका जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अब वो एग्जांपल बता रहा है जी टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑन प्लैनेट अर्थ, आपकी ज़मीन के ऊपर सबसे ऊंची जगह जो है वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे बुलंद चोटी है वहाँ पे। जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है, तो वहाँ पे जो है प्रेशर होता है 323 टॉर। और अगर आप टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट हैं मौजूद, तो अगर आप वहाँ पे पानी को बॉयल करते हैं तो पानी वहाँ पे 69 डिग्री सी के ऊपर बॉयल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अब चेंज हो गया। तो ये सिंपल एग्जांपल्स थी कि हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करें तो हमारे पास जो है वो हो जाता है। अब वो मरी की बात करता है, मरी हिल्स। मरी एक कॉमन स्पॉट है जहाँ पे हम सब घूमने जाते हैं नॉर्मली, एक हिल स्टेशन है पंजाब में। मरी में क्या होता है जी, मरी में भी ऊंचाई के ऊपर है, ऊंचाई के ऊपर होने की वजह से वहाँ पे जो प्रेशर है वो 700 टॉर होता है, और इस 700 टॉर की वजह से पानी जो है वो 100 डिग्री सी की बजाय 98 डिग्री सी के ऊपर वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ये एक कुछ एग्जांपल हैं जिससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करना शुरू कर दें तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड वो भी चेंज हो सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये चीज़ हम कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और हमारे घरों में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज़ होती है, दैट इज़ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम करते क्या हैं बेसिकली, प्रेशर कुकर आपको पता है कि एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, ठीक है। अगर ये एक कुकर है तो ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसको आपने जो उनसे हैं बंद किया हुआ है। इसके अंदर हम वाटर के अंदर अपनी जो भी चीज़ हमने पकानी होती है पानी के अंदर हम डाल देते हैं। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे जो वेपर बनता है वाटर का, ये वाटर था फॉर एग्जांपल, इसके अंदर फूड मौजूद है जिसको हम पकाना चाह रहे हैं। अब वेपर्स जो उनसे हैं, वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप, वेपर्स को हम बाहर नहीं निकलने देते, वेपर्स को हम बंद कर देते हैं ऊपर, चूंकि इसके लिड होती है, ये लिड है, तो वेपर जो सा अंदर वाटर का बन रहा होता है वो हम निकलने नहीं देते। अब जब हम निकलने नहीं देते तो क्या होता है कि प्रेशर ऊपर, अगर कभी आपने इसकी लिड देखी हो तो लिड के ऊपर एक वेट पड़ा होता है, प्रेशर कुकर के ऊपर एक इस शक्ल का छोटा सा वेट पड़ा होता है, जो कि नीचे उसके जगह बनी होती है और उसके ऊपर हम वेट रख देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होती है। अब उस वेट का क्या काम होता है, ये बेसिकली प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। अब एक्सटर्नल प्रेशर ये वेट ज़्यादा कर देता है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अंदर जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा मतलब अब इस वाटर को आपने बॉयल करना है तो ये 100 पे बॉयल नहीं होगा, ये ज़्यादा हीट लेगा। जब ये ज़्यादा हीट लेगा तो अंदर मौजूद जो सी फूड है इसके अंदर, जिसको हम गलाना चाह रहे हैं, जिसको हम पकाना चाह रहे हैं, वो बड़ी आसानी से पक जाएगी, क्योंकि वाटर जो है वो उड़ेगा नहीं, वो लिक्विड ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो लिक्विड के अंदर ही मौजूद रहते हुए हमारे लिए उस फूड को गलाना जो उनसे आसान होगा। तो इंक्रीज्ड प्रेशर की एप्लीकेशन ये है कि प्रेशर हम बाहर से लगा देते हैं जिसकी वजह से वेपर बाहर नहीं निकलता, उस प्रेशर को जब इक्वल नहीं करेगा वेपर तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से वेपर बाहर नहीं निकलेगा। जब ये कभी आपने जब कभी प्रेशर कुकर को वर्किंग करते देखा हो, कुछ देर तक वो पकता रहता है लेकिन जब अंदर वाले वेपर का प्रेशर बाहर वाले वेट के प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो ये सीटी जो उनसे बजना शुरू हो जाती है। वो सीटी क्या होती है कि वेपर का जो प्रेशर होता है वो इस वेट को उठा देता है और नीचे वाली आउटपुट से वेपर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब जो प्रेशर था या जो बॉयलिंग था वो स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रेशर कुकर की एग्जांपल को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से हमारे पास, प्रेशर को बढ़ाने से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ये तो थी एग्जांपल कि आपने प्रेशर को बढ़ाया और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि अगर मैं प्रेशर को कम कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट कम भी होगा, और उसकी हमारे पास हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या हैं या उसका हमारे पास क्या इस्तेमाल है। अब वो कह रहे जी कि वेपर किसी भी लिक्विड को हम लो टेम्परेचर्स के ऊपर, लो टेम्परेचर बिकॉज लिक्विड्स कैन बी बॉइल्ड एट
लो टेम्परेचर एज वेल। लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी आपका लिक्विड जो होते हैं वो बॉयल हो सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उनके एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को जो हम लेबॉरेटरी में करते हैं उसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैसे तो डिस्टिलेशन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं, और वो दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या होना चाहिए, उनके अंदर एक रीजनेबल बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक कंटेनर था, ये इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, एक वाटर है और एक है अल्कोहल। मैं चाहता हूँ कि जी अल्कोहल मुझे इसमें से वाटर में से अलग होके मिल जाए, मुझे वाटर सेपरेट करना है अल्कोहल से। वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सी और अल्कोहल होती है 78.3 डिग्री सी एथानॉल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हीट करूँगा। अब जब मैं हीट करूँगा इसको तो पहले कौन सा टेम्परेचर अचीव होगा, 78.3। तो क्या होगा, मेरे पास सारा का सारा जो सा अल्कोहल है उसके वेपर सारे यहाँ पे बन जाएंगे, और मैं उस अल्कोहल को इस कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से अल्कोहल का वेपर। क्यों वेपर, क्यों 78 डिग्री सी जब मैं गर्म करूँगा तो पहले अचीव होगा 100 डिग्री, तो वाटर का है ना, तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करेगा, तो वाटर तो 78 डिग्री पे लिक्विड ही रहेगा, लेकिन 78 डिग्री पे अल्कोहल जो है वो लिक्विड नहीं रहेगा, वो बॉयल होके वेपर की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। ये वेपर इधर से ट्रेवल करेगा, इधर इस नाली को हम बाहर से वाटर रन करते हैं जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, जब वो पानी इसको ठंडा करता है तो ये वेपर वापस लिक्विड में आ जाता है, और लिक्विड की फॉर्म में ड्रॉप की शक्ल, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास अल्कोहल जो है वो अलहदा हो जाएगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर हम जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये, अगर मेरे पास एक डिस्टिलेशन कॉलम है जिसके अंदर आपका मिक्सचर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर जितनी भी मौजूद एयर है उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, यहाँ से एयर को मैं बाहर निकाल लूँगा वैक्यूम पंप लगा के। इससे क्या होगा, जब यहाँ पे एयर नहीं होगी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो किसकी वजह से है, वो तो एयर की वजह से है। अब एयर रही नहीं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो हमने बेसिकली क्या किया है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था एयर का उसको हमने कम कर दिया है वैक्यूम बना के, एयर को बाहर निकाल लिया। अब इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर जितना, जो 1 atm था वो नहीं है, अब वो वैक्यूम का प्रेशर है, वो 1 atm से बहुत कम होगा। अब कम होने की वजह से जब मैं इसको हीट करूँगा तो कम टेम्परेचर के ऊपर हमारे जो उनसे लिक्विड्स हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास डिस्टिलेशन में हमारा फ्यूल कम लगेगा क्योंकि हमें हीट कम करना पड़ रहा है, और हमारे पास जल्दी जो है रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल वो दे रहा है जी ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन एक लिक्विड है आपके बुक में, इसकी एग्जाम्पल वो ग्लिसरीन की मेंशन कर रहा है। वो कह रहा है जी जो ग्लिसरीन है वो 290 डिग्री सी के ऊपर जाके बॉयल करती है एट नॉर्मल टेम्परेचर, अगर उसको हम 760 टॉर मतलब नॉर्मल 1 atm के ऊपर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रखें, लेकिन इस टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते ग्लिसरीन जो है वो ग्लिसरीन नहीं रहती, वो डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोजिशन का मतलब है वो टूट के कोई नई चीज़ों में बन जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब अगर मैंने ग्लिसरीन को किसी चीज़ से अलहदा करना है तो अगर 290 तक का मैं वेट करता रहूँगा तो वो ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन नहीं रहेगी, वो तो डिकम्पोज हो जाएगी किसी और चीज़ों में, तो वो मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, जो थी वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 290 से उठा के 210 तक ले आऊँगा, ताकि अब ये डिकम्पोज भी ना हो और बॉयल भी कर जाए, वेपर की शक्ल में बाहर भी आ जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं वैक्यूम अप्लाई करूँगा। जब मैं वैक्यूम अप्लाई करूँगा तो 760 टॉर से प्रेशर कम हो के, फॉर एग्जांपल हम मिसाली तौर पे ले लेते हैं ये 400 टॉर पे आ जाएगा या मज़ीद कम हो जाएगा। अब जब वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, 290 से ये 210 के ऊपर आ जाएगा। अब 210 के ऊपर ग्लिसरीन डिकम्पोज भी नहीं होगी और वेपर की शक्ल में डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उड़ के बाहर भी आ जाएगी। इसको मैं सेपरेट भी कर लूँगा
और डिकम्पोज भी नहीं होगी और मेरा फ्यूल भी कम लगेगा। तो ये जो सिंपल साइंस थी कि एक्सटर्नल प्रेशर को अगर मैं ज़्यादा करूँ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़, और एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इसकी हमने केमिस्ट्री समझी और इसकी एग्जांपल्स वाटर की एग्जांपल समझी, और फिर हमने प्रेशर कुकर और ग्लिसरीन की एग्जांपल के थ्रू देखा कि हम रियल लाइफ में इसको जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। अब थोड़ा से कुछ डेफिनेशन हैं आपकी बुक में, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज़ चेंज, जो हम फेज़ चेंज की बात शुरू में करके आए हैं उसकी यहाँ पर वो बात कर रहा है। फेज़ चेंज, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ़ेज़ चेंज होती क्या है। जब भी लिक्विड जो है एक स्टेट से फर्स्ट स्टेट या किसी एक स्टेट ऑफ मैटर से सेकंड स्टेट में जाएगा, कोई भी तो मैटर की फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे जी फेज़ जो है वो चेंज हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड लिया, सॉलिड गया हीट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको, इसको जब हमने हीट किया ये हो गया लिक्विड, तो ये क्या हुआ फेज़ चेंज। लिक्विड को मैंने हीट किया ये बन गया वेपर या गैस, ये क्या हो गया एक और फेज़ चेंज, इसको हीट किया। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करें तो वो लिक्विड फेज़ को स्किप करके डायरेक्ट चले जाते हैं वेपर फेज़ के अंदर, उसको हम पढ़ के आए हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी क्या हुआ फेज़ चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर के अंदर जाएगा, तो ये होगा फेज़ चेंज। अब यहाँ पे तीन डेफिनेशंस आती हैं। नंबर वन इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होती है, ये मेरे पास एक सॉलिड का ब्लॉक था, इसको मैंने जब गर्म किया तो ये लिक्विड हो गया, मेल्ट हो गया, इसको हम कहते हैं फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूजन हो गई है कि पहले सॉलिड अपनी शक्ल मेंटेन किए हुए था, अब वो लिक्विड बन गया। तो ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी कि वो हीट, हीट रिक्वायर्ड जो कि किस लिए चाहिए, एक मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर दे किस में, लिक्विड में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई वन मोल ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक मोल सॉलिड का व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड, तो इसको हम क्या कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर जो एक चीज़ आपके ने ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, प्रेशर को हम चेंज नहीं करते जब भी हम मोलर हीट फाइंड करते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन थी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हम ऑलरेडी इस आज के लेक्चर के शुरू में पढ़ के आए हैं। वेपराइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक सॉलिड, एक जो हमारे पास लिक्विड होता है वो वेपर के अंदर जा रहा होता है, अब वो हीट एनर्जी, हीट रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू वेपर प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। एक मोल अगर मेरे पास लिक्विड हैगा है, वन मोल ऑफ लिक्विड को मैं कन्वर्ट करूँगा जब वेपर में, तो मुझे कितनी हीट एनर्जी इस लिक्विड को देनी पड़ेगी, ये लिक्विड कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा लिक्विड से वेपर में जाने के लिए, दैट इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और थर्ड जो डेफिनेशन है दैट इज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मेरे पास एक सॉलिड था जो कि सब्लिमेशन शो करता है, उसको मैंने हीट किया वो डायरेक्ट चला गया वेपर में, तो मुझे हीट जो सी है, हीट रिक्वायर्ड या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड, बाय वन मोल ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, एक मोल ऑफ सॉलिड को कितनी हीट चाहिए कि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वेपर में कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइडेड प्रेशर इज इक्वल टू
कांस्टेंट, प्रेशर जो है आपका वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तीन डेफिनेशंस थी रिलेटेड टू द फेज़ चेंज। और फेज़ चेंज क्या होता है वो आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कोई भी मैटर की फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड या गैस, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि फेज़ का चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक और आखिरी डेफिनेशन आती है, दैट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हमारे आज के टॉपिक का आखिरी चीज़ है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब भी फेज़ चेंज होता है, जब भी कोई भी दो फेज़ आपस में चेंज हो रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी सॉलिड है और लिक्विड है, ये आपस में जब भी चेंज हो रहे होंगे तो ऐसे नहीं होगा कि सॉलिड जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। इक्विलिब्रियम अगर फिजिक्स की टर्म में हम देखें तो हम बैलेंस को कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की शक्ल में अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं उतनी ही राइट हैंड साइड के ऊपर चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद हों। मतलब वो कह रहा है जी, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कह रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन वेयर टू अपोजिंग चेंजेस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो रहे हों एट इक्वल रेट्स, मतलब सेम रेट पे। रेट का क्या मतलब है, स्पीड कह लें आप, जिस स्पीड से सॉलिड लिक्विड में जा रहा है उसी स्पीड से लिक्विड आपका सॉलिड में आ रहा हो तो वो प्रोसेस उस जब वो ये चीज़ जब गेन हो जाएगी, जब इनका रेट इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे प्रोसेस इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम नाउ। अब हर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसकी उसके होने का मकसद उसके पीछे एक ही होता है कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो गेन करना चाह रहा होता है। कभी भी आप देखें ना तो आपके पास अगर आइस और वाटर इकट्ठे मौजूद हैं ना तो उनका टेम्परेचर जो है वो 0°C ही रहेगा जब तक ये दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। या तो सारा का अगर ठंडा हो रहा है सिस्टम, जीरो से नीचे जा रहा है तो सारा का सारा वाटर आइस में आ जाएगा, और अगर गर्म हो रहा है तो सारी की सारी आइस वाटर में आ जाएगी, लेकिन जब तक ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे टेम्परेचर 0°C ही रहेगा और ये कोशिश में होंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, आइस जितनी वाटर में जा रही है उतनी वाटर आइस में आए। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट स्टडी किया, बॉइलिंग पॉइंट की केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद हमने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके देखा कि किस तरीके से चेंज होता है, और फिर हमने एंथैल्पी के वाले से थोड़ी सी तीन डेफिनेशंस पढ़ी और एंड पे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम लिक्विड से रिलेटेड आखिरी टॉपिक अपना कवर करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स, और फिर हम सॉलिड्स के पार्ट की तरफ अपने चैप्टर के चले जाएंगे।